मेरे तूफानी दिमाग में एक बहुत ज्यादा क्रेजी और बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडिया आया है। आज हम हमारे इंडिया की आन बान और शान किंग कोहली की कार्स को कंपेयर करने वाले हैं अपने फुटबॉल जगत के सबसे बढ़िया प्लेयर मेसी की कार के साथ। वैसे तो किंग कोहली और मेसी बहुत सारी गाड़ियां ओन करते हैं, बट हम लोगों ने उनके कलेक्शन में से चार गाड़ी पिक करी, दो एसयूवी और दो प्रॉपर स्पोर्ट्स कार है। किंग कोहली की गाड़ियां हैं ये दोनों। ये है ऑडी की Q7 जो कि एक एसयूवी, और भाई बगल में आप सबको पता है ऑडी R8। फिर आती है मेसी की गाड़ी, जिसमें से एक तो भाई अपनी चमचमाती हुई रेंज रोवर है और भाई उसके बगल में है अपनी मर्सिडीज SLS। चलो स्टार्ट करेंगे अपनी किंग कोहली की गाड़ी के साथ। और भाई मैं ये बता दूं, ये जो आप लोगों को ऑडी दिख रही है ना भाई, ये बहुत नेक्स्ट लेवल भागती है। बाय द वे दोनों गाड़ी की स्पीड को अपन लिमिट करके रखेंगे 200 पे, जो कि यार अनफेयर नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 की जो स्पीड है ना, वो इस जंप टेस्ट के लिए थोड़ी सी कम है, बट देखते हैं यार। बाय द वे यार, ये क्या प्यारी लगती है ना ऑडी भाई, मतलब यार लग्जरी लगती है भाई फुल। और मैंने जानबूझ के इसका ब्लू कलर रखा है क्योंकि इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया की जर्सी का कलर है ये। लेट्स गो, जंप अपनी हो चुकी है, जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्मूथ हुई है। लाइक तुम लोग खुद देखो, ये गाड़ी ना आगे से उठी ना पीछे से उठी, भाई कितनी स्मूथ जंप है। और जो लैंडिंग है एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा बहुत बम्पर टूटा जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट अब मुझे लग रहा है गाड़ी ना कंट्रोल से बाहर जा रही है, बट शायद मैं भाई देखो ये वाला जंप टेस्ट मैं बहुत बार कर चुका हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ ये गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप लोग खुद देखो भाई, इतना बड़ा जंप लेने के बाद तुम्हें कहाँ से ये गाड़ी टूटी हुई दिख रही है। भाई इसका बम्पर टूटा जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज गाड़ी देखो एकदम इंटैक्ट लग रही है भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा इस गाड़ी ने इतनी बड़ी जंप मारी है। मतलब भाई अपना कोहली तो कमाल है ही, साथ में अपने किंग कोहली की गाड़ियां भी कमाल है। अब चलो अपने मेसी भैया की रेंज रोवर की परफॉर्मेंस देखते हैं भाई कैसी रहती है। बाय द वे ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा भारी है, थोड़ी ज्यादा बल्कि है, तो शायद इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, बट अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ओ ये क्या हुआ भाई, इसका इंजन डैमेज हो गया चलते चलते, मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप हुआ ये। एक बार और स्टार्ट करते हैं भाई, पता नहीं कैसे इस गाड़ी का इंजन डैमेज हो गया था, तो हम लोग ने ना इसमें एक नया इंजन डाला जो कि एकदम मक्खन काम कर रहा है। देखते हैं भाई ये रेंज रोवर की एसयूवी क्या हमारे विराट कोहली की भाई अनबीटेबल अनब्रेकेबल एसयूवी को बीट कर पाएगी, जो कि देखो 200 की स्पीड में हमने इसको भी आके फुल्ली कर दिया है लॉक, ताकि एकदम फेयर कॉम्पिटिशन हो। और अब होने वाली है जंप, और भाई ऑडी ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो अब देखते हैं भाई मेसी की रेंज रोवर क्या परफॉर्म करती है। बट भाई इसने नोज डाइव ले ली है जो कि एक्चुअली में बहुत बुरी होने वाली है, मैं आप लोगों को अभी बता दूं। नहीं देखा जा रहा मुझसे ये हाल लिटरली भाई। लाइक ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट जैसे इसने जंप लिया ना, इसने नोज डाइव ले ली, मतलब ये ऐसी हो गई। और ऐसे होने के बाद जो क्रैश होता है वो आप लोगों के सामने है। आई डोंट थिंक इसके अंदर जो बंदे बैठे होंगे ना वो जिंदा बचे होंगे। इवन इसका एग्जॉस्ट देखो भाई, एग्जॉस्ट गाड़ी से पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है। भाई ये वाला राउंड ना तो क्लियरली हमारे विराट कोहली की कार को ही जाता है, क्योंकि मेसी की कार तो पूरी तबाह हो चुकी है। तो गाइस देखो लावा टेस्ट में क्या होने वाला है, पता है ये जो आप लोगों को दोनों प्यारी प्यारी गाड़ियां दिख रही है ना, ये गाड़ियां इस वाली रोड पे फुल स्पीड में भागेगी, मतलब कोई भी स्पीड की लिमिट नहीं रहने वाली, दोनों गाड़ियां फुल स्पीड में भागेगी। प्लस आप लोगों को सामने यहाँ पे लावा दिख रहा होगा, तो जो गाड़ी इस वाले लावा में सबसे आगे जाएगी वो गाड़ी इस वाले राउंड को जीत जाएगी। देखते हैं कौन सी गाड़ी लावा को पार कर पाती है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी किंग कोहली की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑडी के साथ। मैंने एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान से इसकी आवाज सुनना। ओहो भाई क्या क्रेजी आवाज निकालती है गाड़ी, अब देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करती है। और यार देखो परफॉर्मेंस की बात पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये किंग कोहली की गाड़ी और कोहली परफॉर्म करता है फील्ड में, और भाई ये गाड़ी ऑब्वियसली ट्रैक पे अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है। देखो स्पीड को हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि यार देखो स्पीड जज करने के लिए ना ज्यादा लंबा ट्रैक चाहिए होता है, और ये ट्रैक छोटा सा है, तो मेरे हिसाब से 300 की स्पीड ये गाड़ी चली जाएगी, बट लावा में कितना आगे जा पाएगी वो देखना रहता है। Q3 लावा आ चुका है अपना, और अभी ये गाड़ी फुल ग्लाइड कर रही है लावा के ऊपर से, और ये सामने से थोड़ी सी उठ चुकी है, और भाई नहीं यहाँ पे नोज डाइव हो गई गाड़ी की, और आई थिंक 180 मीटर्स, ओके भाई 180 मीटर्स भी गाड़ी पूरा नहीं आ पाई है, तो मेरे हिसाब से 170 मीटर ये गाड़ी आ पाई है। इंजन वगैरह बंद हो गया, गाड़ी की हालत तो एकदम भंगार में बिकने वाली हो चुकी है, बट 170 आई। अब देखते हैं अपनी मेसी भैया की गाड़ी कितना आगे आ पाई। भाई ये तो फुल गैंगस्टर वाली गाड़ी लग रही है यार, मतलब अपने मेसी भाई गैंगस्टर है लगता है। चलो उसको स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है।
देखो सच सच बोलूंगा मैं, स्टार्ट करने में उतना मजा नहीं आया, मतलब नॉर्मल स्टार्ट हुई है, बट ये जो गाड़ी है ना ये तुम्हें ज्यादा फील लेती लग्जरी वाला। मतलब देखो ऑडी भी लग्जरी है बट ऑडी ज्यादा स्पोर्टी लगती है और ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही लग्जरी लगती है भाई। और भाई ब्लैक कलर में तो क्या ही प्यारी लग रही है भे। देखो ये गाड़ी भी बहुत ही इजिली 300 की स्पीड अचीव कर सकती है, जो कि आफ्टर ऑल भाई ये गाड़ी भी एक स्पोर्ट्स कार है, तो हाँ 300 की स्पीड दोनों गाड़ियां बहुत ही इजिली अचीव कर ली है। और अब देखते कितना आगे जा पाएगी। 1, 2, 3 ओके, अपनी ऑडी गई थी 170 मीटर, अब देखते हैं भाई अपने मैसी भैया की मर्सिडीज कितना आगे जा पाती है, जो कि हेलो 60 मीटर में आके इस गाड़ी ने दम तोड़ दिया। मतलब भाई क्या हो क्या रहा है ये, मतलब यार किंग कोहली क्रिकेट में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं और उनकी गाड़ियां भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। हमने 2 चैलेंज किया, दोनों में किंग कोहली की गाड़ी जीत चुकी है और मैसी की गाड़ी हार चुकी है। स्टार्ट करते हैं अपने हार्ड कोर ऑफ रोड चैलेंज को। देखो मैं अभी आप लोगों को बता दूं, ये दोनों गाड़ियां ना इस वाले खतरनाक ऑफ रोड चैलेंज के लिए नहीं बनी है। ये देखो भाई ये गाड़ी यहीं पे स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है इस वाले ट्रैक पे ना हम लोगों ने डिफेंडर, जी वैगन और यहां तक कि लैंड क्रूजर तक को स्ट्रगल करते देखा है। तो मतलब यार वो गाड़ी है जो कि प्रॉपरली ऑफ रोड के लिए ही बनती है, वो गाड़ियां इस वाले ट्रैक को नहीं कर पाई थी। तो एक ऑडी और एक रेंज रोवर कैसे कर पाएगी मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना मुझे पता है कि इन दोनों गाड़ी के ना अस्थि पंजर ढीले होने वाले हैं आज। वैसे अभी तक तो नो डाउट अपने किंग कोहली की गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। छोटा सा जंप आया, नाइस, एकदम स्मूथली निकल गई ये गाड़ी। देखो इस गाड़ी में एक ही दिक्कत आ रही है कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है। खुद देखो यार एकदम नीचे है ना ये गाड़ी, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एसयूवी है, बट हाँ जो अपनी रेंज रोवर है ना उसको यहाँ पे फायदा मिलेगा क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। तो हाँ भाई मैसी की गाड़ी को इस बार फायदा है, बट यार अपने किंग कोहली की गाड़ी अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लाइक कोई दिक्कत ही नहीं आई है इस गाड़ी में अभी तक। देखो थोड़ा सा इंजन डैमेज हुआ है बट उतना नहीं कि गाड़ी रुक जाएगी, सो अभी तक तो मस्त परफॉर्म कर रही है। लेट्स गो, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अगर मैं आप लोगों को सच सच बोलूँ तो। लाइक मुझे लगा था कि स्टार्टिंग में ही एक दो जंप आएंगे या फिर एक दो पहाड़ आएंगे वहाँ पे गाड़ी दम तोड़ देगी, बट नहीं, एक्चुअली ये गाड़ी बड़े वाले, ये देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना माउंटेन, हमें इस माउंटेन में गाड़ी चढ़ानी है। और मैं आप लोगों को बता दूँ इस माउंटेन में अभी तक सिर्फ एक ही गाड़ी चढ़ पाई थी और वो कौन सी थी, वो थी अपनी लैंड क्रूजर। तो भाई देखते हैं अब ये दोनों गाड़ियाँ कैसा परफॉर्म करती है। अब यहाँ से भाई किंग कोहली की गाड़ी की असली परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ओके, अब इसका पावर, इसका टॉर्क, हर चीज़ काम आने वाली है। ओहो भाई कितना स्मूथली निकली ना ये गाड़ी वहां से, नाइस यार, आफ्टर ऑल किंग कोहली की गाड़ी है भाई, नाइस। ओके अब ये और ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑफरोडर से दम तोड़ा था। ओके भाई ये गाड़ी बहुत क्रेजी है यार, सीरियसली भाई ये प्रॉपर ऑफरोडर जैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, रुक जाओ, अगर मैं एक्सीलेटर दूंगा ना गाड़ी नीचे चली जाएगी, फिर मेरा एक व्हील अटक गया, पीछे आ जा, आराम से पीछे आ जा, बिना गिरे नहीं यार। किंग कोहली की गाड़ी का सफर उस वाले पहाड़ से गिरने के बाद खत्म हो चुका है, अब टेस्ट करते हैं मैसी की गाड़ी। लेट्स गो भाई, देखते हैं अपनी रेंज रोवर कैसा परफॉर्म करती है। ओके, पानी से तो बहुत ही आराम से निकल जाएगी ऑफ कोर्स, बट हाँ यार ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिख रही है मुझे फॉर नो रीज़न, इवन दो इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इसमें लाइक पावर वगैरह भी अच्छी खासी है, बट स्टिल यार। और पिछला विंडशील्ड इसका टूट चुका है। ओके, मतलब हम लोग ये मान लिए कि ऑडी की बिल्ड क्वालिटी रेंज रोवर से ज़्यादा अच्छी है, इवन दो रेंज रोवर को अभी टाटा ओन करता है, बट पता नहीं कुछ भी हो सकता। लेट्स गो यार, हम अपने बैंक अकाउंट में 8,000 का बैलेंस लेके 8,000 करोड़ की कंपनी को जज नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। अभी तक मस्त परफॉर्म कर रही है अपनी रेंज रोवर, बट हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बोलूँ, जो ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा था ना वो भाई ऑडी में ज़्यादा बेटर था, रेंज रोवर में उतना मज़ा नहीं आ रहा यार, मतलब ऑडी ऑडी है भाई। ओके, इसका इंजन डैमेज हो चुका है फॉर नो रीज़न, आप लोग देख सकते हो, मुझे नहीं पता कैसे इसका इंजन डैमेज हुआ, क्योंकि हमने तो अभी तक उतना कुछ क्रेजी किया ही नहीं यार, नॉर्मल गाड़ी बस जंप कर रही है इन सारे गड्ढों से। और आई थिंक वो जो दूर आप लोगों को नीले कलर की कुछ चीज़ दिख रही है वो हमारे किंग कोहली की एसयूवी है। पहुंचते हैं वहां तक, ट्राई करते हैं, देखते हैं रेंज रोवर वहां तक पहुंच पाएगी कि नहीं। लेट्स गो भाई, अच्छा परफॉर्म कर रही है यार मैसी की गाड़ी भी। और अब हम लोग साइड से निकलने वाले हैं हमारे किंग कोहली की एसयूवी की, जिसकी हालत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है।
आई होप बिना टकराए. ओके, कोशिश तो थी बिना टकराए निकलने की, बट वो गाड़ी रोड पे थी तो थोड़ी सी टक्कर हुई है हमारी. और अब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आ चुका है हमारी रेंज रोवर के लिए. आई एम सॉरी मुझे कॉल आ गया था, बट कोई बात नहीं. ओके, और ये गाड़ी क्या लगता है निकल जाएगी गाइस? मेरे हिसाब से तो कर लेगी. यस ऑफ कोर्स यार, रेंज रोवर है भाई, हल्के में ले रहे अपन रेंज रोवर को. ओके, अब सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट आने वाला है रेंज रोवर के लिए. लाइक लिटरली मैं बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा मुश्किल. अगर इस गाड़ी ने ये कर लिया ना भाई, मान जाऊंगा इस गाड़ी को. ओके 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 भाई, रेंज रोवर लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी ऑडी से आगे निकलने वाली है ऑफ रोड वाले चैलेंज में. यस गाइस, ऑफ कोर्स हम लोग ऑडी से आगे आ चुके हैं, मतलब मैसी की रे. ओए, पावर लूज नहीं करना भाई. क्या यार, सीरियसली इस गाड़ी ने पावर लूज किया वहां पे. मैं खुद से तो इसको नीचे गिराऊंगा नहीं ना भाई. आई डोंट नो कैसे मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं भाई. उस पॉइंट पे आके मैंने इसका एक्सीलेटर दिया कि ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, बट क्योंकि इसका इंजन डैमेज था, इस गाड़ी ने पावर लॉस कर दिया भाई. और जैसे ही ऐसा हुआ, ऑब्वियसली हम खाई से नीचे आ गए. अब होने वाला है स्पीड टेस्ट, और आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है. देखो, मैं चलाऊंगा गाड़ियां, आप लोगों को ना उसकी स्पीड देखनी है, और एग्जैक्ट स्पीड जो कि सबसे ज्यादा रहेगी उसको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है. किंग कोहली की ऑडी लेके मैं निकल चुका हूँ एक हाईवे पे, और अब आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ स्पीडोमीटर में सबसे ज्यादा जो टॉप स्पीड आप लोगों को दिखेगी वो आप लोग मुझे बताओगे. और भाई अब हम फोकस करते हैं गाड़ी चलाने में. देखो 300 पे गाड़ी बहुत आराम से चली जाएगी, इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ. ऑब्वियसली 300 चली जाएगी. वैसे देखो इतनी हाई स्पीड में ना इस गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखो इस वाले हाईवे पे मैंने बुगाटी को टेस्ट करके देखा है, कॉनिग्जेक को टेस्ट करके देखा है, जेस्को को, और उन सारी गाड़ियों को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वो प्रॉपर हाइपर कार्स होती है ना, और ये एक सुपर कार है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है. इवन आप लोगों को पता है पोर्शा भी बहुत ही इजीली कंट्रोल हो जाती है, बट ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. और देखो जितनी टॉप स्पीड मैंने देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 338, मतलब 338, तो आई डोंट थिंक ये उसके ऊपर जा पा रही है. बाकी उसके ऊपर अगर जाएगी तो आप लोग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे, आई नो, बट मैं पूरा फोकस करता हूँ इसको फास्ट से फास्ट चलाने में. अभी बाय द वे इस वाले हाईवे में ना एक फास्ट वाला स्ट्रेच और आने वाला है. ओके, आई गेस यही है वो. ओके, 338 ही जा रही है यार, 338 के ऊपर नहीं जा पा रही एक बार भी ये गाड़ी, है ना. आई डोंट थिंक कि 338 के ऊपर ये गाड़ी जा पा रही है, बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक्चुअली में इसकी टॉप स्पीड कितनी थी. ओहो, कंट्रोल 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 ऑडी, क्या मैं कंट्रोल कर पाऊंगा? यस ऑफ कोर्स मैं कर लूंगा, हैवी ड्राइवर हूं मैं. ओके, सो देखो यार, मैंने तो 338 देखा, बट आप लोग बताओ आप लोगों ने क्या देखा. चलो अब देखते हैं मैसी की मर्सिडीज कितना भागती है भाई. फुल ड्रिफ्ट वगैरह कर रही थी ये गाड़ी. देखो ये गाड़ी का इनिशियल पिकअप थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है ना, आप लोगों को भी आई गेस ये चीज फील हुई होगी, बट हाँ भागने तो ये गाड़ी भी वाली. और भाई इसको कंट्रोल करना तो और ज्यादा मुश्किल है यार. ओए भाई, ये तो फुल ड्रिफ्ट वगैरह हो रही है, देख रहे हो तुम लोग, बट कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं हैवी ड्राइवर हूँ, आप लोग सब जानते हो ये बात. चलो देखते हैं, एटलीस्ट 300 तो जाए यार, ये 300 जाने में इतना स्ट्रगल कर रही है बताओ. और अपनी ऑडी तो भाई 338 चली गई थी ना, 338 चली गई थी. ओके, 300 तो ये गाड़ी कर लेगी आई थिंक, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. भाई स्ट्रगल कर रही है ये गाड़ी, है ना, थोड़ा स्लो है इसका पिकअप. यार मैसी भाई, आपने गलत गाड़ी ले ली, लगता है आपको भी ऑडी लेनी थी. ओके, देखो स्ट्रगल कर रही है, बट स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है. इवन दो ये स्ट्रगल कर रही है, बट एक्चुअली में इस गाड़ी की स्पीड है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. लाइक ऐसा नहीं है कि स्पीड बढ़ना रुक गई, जैसे ऑडी की रुक गई थी ना, इसकी स्पीड रुक नहीं रही है, इसकी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है. और भाई कंट्रोल करना और मुश्किल हो चुका है, ये नीचे आ चुकी है रोड के, कम ऑन यार. ओके, आराम से सीधी चल ले यार. क्या करूं मैं तो सीधी चला रहा था ना, ये गाड़ी की गलती है, मेरी गलती नहीं है. 300 इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, और मेरा पूरा फोकस गाड़ी को सीधे चलाने में, मैं बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ. लेट्स गो यार, रोड पर टर्न्स बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे टर्न्स है, बट ये दिक्कत देते हैं टॉप स्पीड में. ओके, वापस से हमने एक बहुत हार्ड टर्न लिया है. मेरी किस्मत ही खराब है.
लेट्स गो गाइस, ये फाइनल ट्राई है भाई। बार बार इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, इस बार होपफुली ना हो। और यार मुझे ना ये चीज फील हो रही कि ये गाड़ी का स्टार्ट बहुत ज्यादा स्लो है। बट यार स्टार्ट स्लो होने का मतलब ये नहीं होता कि इसकी टॉप स्पीड कम होगी। तो टॉप स्पीड तो अपन देखते हैं इसकी। देखो 320 तो आई गेस ये गाड़ी अभी पहुंच चुकी है। और यार मुझे ना एक चीज फील हो रही कि गाड़ी इवन दो स्टार्ट बहुत स्लो ले रही है, बट ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रही है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि यस, एक्चुअली यस, ये गाड़ी 340 की स्पीड पे पहुंच चुकी है। गाइस कैन यू बिलीव, इस गाड़ी ने अपनी ऑडी का स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब यार ये गाड़ी जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है तोड़ पाएगी, बट एक्चुअली 350 की स्पीड ये गाड़ी अचीव कर चुकी है। और आई गेस इसे ज्यादा कर ली होगी, जो कि मैं नहीं देख पाया। आप लोग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताई दोगे और हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते मैक्स ये गाड़ी कितना भाग पाती है। लेट्स गो। और अंदर से कुछ ऐसा लगता है भाई, अगर तुम 350 की स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहे होते हो तो अंदर से तो भाई मतलब कुछ समझ ही नहीं आता गाड़ी कैसे चल रही है लिटरली। आई थिंक 3 ओए रोड ही खत्म हो गई। किंग कोहली और गोट मेसी दोनों की कार्स का स्कोर हो चुका है बराबर। तो अब हम लोग करेंगे एक फाइनल चैलेंज, जो कि होने वाला है हाई जंप टेस्ट। तो मतलब अपने इस चैलेंज का जो फाइनल राउंड है वो होने वाला है एक जंप टेस्ट। और भाई देखते हैं कौन सी गाड़ी ज्यादा ऊंचा जंप कर पाती है। 1, 2, 3 दे दिया है फुल एक्सेलेरेटर। भाई देखते हैं गाड़ी कितनी स्पीड अचीव कर पाती है इस वाले जंप के लिए। मेरे हिसाब से 320 की स्पीड ये गाड़ी अचीव कर लेगी, है ना, क्या बोलते हो तुम लोग? 320, यस 320 से ज्यादा, 330 हो गया था एक्चुअली। और ये गाड़ी अभी आई है 300 मीटर से आगे और हम लोग आई गेस लैंड करेंगे 360 मीटर पे। नहीं एक्चुअली हम लोग 370 मीटर पे लैंड करें, मतलब अपने किंग कोहली की गाड़ी 370 मीटर पे आई है। अब मैसी की गाड़ी की बारी। मैसी भैया की फुल माफिया कार अपन लेके आ चुके हैं, अब अपन देंगे फुल एक्सीलेटर। 1, 2, 3 और भाई इस गाड़ी को कंट्रोल करना एक्चुअली मुश्किल है भाई। ये देखो कैसे उड़ रही है हवा में लिटरली है भाई। डाउनफोर्स है ही नहीं इस गाड़ी में ऐसा लगता है। और स्पीड तो ऑब्वियसली गाड़ी उतनी ज्यादा नहीं भाग पाएगी यार, क्योंकि अपनी ऑडी बहुत तेज भागती है। बट जंप इसने बहुत अच्छा लिया है। बट ना यार, ये गाड़ी लैंड कर रही है 260 मीटर पे और अपनी ऑडी लैंड करी थी 370 मीटर पे। मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है भाई। अपनी किंग कोहली की गाड़िया इस वाले पूरे चैलेंज को जीत चुकी है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। भाई मजा आ गया भाई, अपने किंग कोहली की कार जीत चुके। और अगर आप लोग किंग कोहली के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूं भाई, वो किंग है किंग। बाय द वे इस वीडियो में इतना था, होप तुम लोगों को मजा आएगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा कल एक नए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई एम एफ के मन, आई एम साइनिंग आउट। जल्दी से फटाफट फॉलो कर, चल जल्दी जल्दी फॉलो कर, ऐसा बुक्का मारूंगा ना, चल फॉलो कर जल्दी।